और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं सुबह के बज चुके हैं 9 और मेरा अभी कोई काम नहीं हुआ है। घर की सारी सफाई पड़ी हुई है मेरी, अभी करने वाला जितना भी काम है क्लीनिंग का, तो बस स्टार्ट करूँगी। और ब्लॉग भी मैंने सोचा स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि कोई ब्लॉग बनाया नहीं है मैंने इस वजह से। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अभी फ़ोल्ड करके ये भी रखे हैं। इस रूम को क्लीन कर देती हूँ, और उधर अभी मेरा बेटा सो रहा है, इस वजह से मैं उस रूम को भी क्लीन नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी वो सो रहा है, इस वजह से ये वाला रूम मैं बाद में मैंने सोचा क्लीन कर दूँगी, पहले इसी रूम को कर देती हूँ। और किचन मैंने साफ़ कर दिया है, किचन मेरा क्लीन हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं, वो इसी वजह से क्योंकि वो सो रहा था बेटा। मैंने लो उठेगा तब कर दूँगी। तो चलिए व्लॉग मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने करनी स्टार्ट कर दी है लिविंग रूम की सफ़ाई सबसे पहले, क्योंकि उस रूम में जो है मेरा, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को बेटा सो रहा है, तो पहले मैंने इसी रूम को साफ़ कर दूँगी। किचन मैंने साफ़ कर दिया था, तो मैंने सोचा फटाफट से इस रूम को मैं क्लीन कर देती हूँ। और आज जो है मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट आप लोग वेट करते तो मैंने बनाया है आज का ब्लॉग, लेकिन पता नहीं आज मन नहीं था थोड़ा। तो फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा के मैं यहाँ पे चारपाई लगा दूँगी, वो इधर सेंटर इधर लगी हुई है LCD वाली साइड जो है, अभी मैं इधर ही सेट करके उसे लगा दूँगी, क्योंकि जो है रात को हमारी यूज़ में आती है, तो फिर मुझे बार बार उठाने का मन नहीं था, तो मैंने इधर ही लगा दी थी। और बस ये वाले रूम की मैंने अभी क्लीनिंग की है, और जब करते करते बेटा भी उठ गया था, फिर मैं दूसरे रूम में भी चली गई थी क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ पर सोफ़े में आप देख सकते हैं कि धोए हुए कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करके अभी रखने हैं, अभी जब फ्री होंगी तभी रखूँगी मैं। अभी फ़िलहाल मैंने सोचा एक जगह सोफ़े पे सेट करके रख देती हूँ, बाद में जो है सारा काम हो जाएगा तब मैं खाना वाना खाने के बाद दोपहर में इसे फोल्ड करके रखूँगी, और अभी तो टाइम नहीं है। और ये चारपाई लगी हुई है, ये मैं लगी ही रहने दूँगी अभी इसे, रात को भी शानी होती है, आज मैंने निकाली नहीं है। कभी कभार जो है हस्बैंड इसी पर सो जाते इधर आके, तो बस इसे सेट करके इधर ही लगा दिया मैंने। और टेबल भी इसी के नीचे मैं ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि इधर ऐसे मेरा बेटा खेलता ना, उसके कभी कभार लग जाता है। और फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी जो भी न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोस अच्छी लगती है शेयर कर सकते हैं, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का मन करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। यहाँ पर जो है बस झाड़ू लगाऊंगी, और ऐसे करते करते झाड़ू लगाया मैंने, और उधर से आवाज़ आई, मेरा बेटा भी उठ गया था, तो मैंने फिर उस रूम की भी साथ के साथ ही सफाई स्टार्ट कर दी थी कि एक बारी कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैंने जो अपने बेटे को खाना वाना बाद में ही खिलाया, मैंने बोला एक बारी बेड वगैरह जो है सेट कर देती हूँ, क्योंकि काम हो गया था बहुत ही ज़्यादा लेट नाना करते, आज तो है काम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, और इस वजह से। तो यहाँ पर जो है इस पे चद्दर वगैरह बिछा दूँगी मैं, और फिर उस रूम में जाऊँगी। और वो बुला रहा था मुझे मेरा बेटा कि मम्मी आओ आओ, उसको होता है सोकर उठ के एक बारी जो है मुझे गोदी लो प्यार मांगता है वो एक बारी, तो बस उसको उठाऊँगी, और फिर मैं उधर वाले रूम की सफाई करने के बाद उसको खाना वगैरह दे दूँगी। और आज ना बहुत मैं 9:30 बज गए काम करते, और बहुत लेट हो गया था मुझे, मतलब 10:30-11 बज गए थे, नहीं तो 10 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं, बट आज बहुत लेट हो गया। और यहाँ पर मेरी बेटी को मैं पढ़ा भी रही थी, उसके एग्ज़ाम हैं अभी, तो फिर उसका जो मैं टेस्ट लेती हूँ सुबह सुबह, तो अपना वो स्टडी जो है याद कर लेती है जो भी, उसको फिर बाद में वो फिर लिखती है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई अपने लिविंग बेडरूम में, बस इसकी सफाई भी मैंने स्टार्ट कर दी, बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, और इसके बाद दूँगी बेटे को खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है काम वगैरह भी। और बेटा पहले उठ के थोड़ी देर गोदी में रहता है, फिर उसको पानी वगैरह देके फिर मैं खाना वगैरह देती हूँ। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको मिलने वाली हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।
कमरे से आ जाना फिर आराम ना बैठ के पंखा चला के पढ़ ला इधर।